जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बहु प्रतीक्षार अंत घटे पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष भैमी एकादशीर महादीप आपण माने दर्शन करिवे। श्रीमंदिर रे नीतिकांति चूड़ांत हो महाप्रभुंकर महादीप उठिबा पाई से श्रीमंदिर ऊर्ध्व प्रदेश को चुनरा सेवक माने गलेनी। जेहेतु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सुंदर भावरे जहाँकि संध्या धूप अनुष्ठित ही महाप्रभुंकर महादीप पाई प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष भावरे कुमुद महावीर चिट्ठी अच्छा कुमुद महावीर पाखरे प्रत्येक चुनरा सेवक माने गले भगवान श्री हनुमान मनो जपमामृततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम वा नरजूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। से हनुमान को समर्पण भाव हनुमान को समर्पित होती एवं श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ए महान जो प्रभुंकर महादीप से निश्चित भाव उठिबो आउ सेतिपाई से शिकुला उपरे जहाँ कि चढ़िबा आरंभ करेनी कारण पारंपरिक चढ़िबार ये शैली आपण माने देखुचंती जय जगन्नाथ टीवी रो पर्दा उपरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिते गुड़िए नीतिकांति सब अच्छी श्री श्री जगन्नाथ आपण देखिबे इठी कौनसी पाहाच नाही बिना पावच्छरे श्रीमंदिर को चढ़ी तापरे ओलाशिली उपरे जहाँ कि पारंपरिक शिकुलार चढ़िबा को पड़ुची एवं तापरे महाप्रभुंकर से बेकी जो श्रीमंदिर ओला बेढ़ा उपरे बेकी रे रामानंदी तिलक एवं प्रत्येक पताका गुड़िक माल पताका गुड़िक बंधाई से माल पताका गुड़िक निश्चित भाव खोला हबो कारण ये महादीप महाप्रभुंकर उठिबा पाई परिक्रमा करिबा पाई ये सबू संपूर्ण भाव रे सबुतक पताका को सिठु खोली दिया जीवो खोला गला परे जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये नीतिकांति अनुष्ठित हेबे। तेणु से पवित्र समय आगंतुक होउची जगन्नाथंकर आज मध्ये अनेक भक्त माने प्रभुंकर से महादीप को दर्शन करिबा पाई अपेक्षा करचंती ता कारण होउची आजर एकादशी गोटे पवित्र एकादशी जहाँ आम माघ मास शुक्ल पक्ष भैमी एकादशी बोली आम कौचे महाप्रभुंकर ये एकादशी अन्य नाम हूँ भीष्म एकादशी। भीष्म एकादशी भाव में अनेक व्यक्ति माने पालन एवं भीष्म एकादशी तिथि जहाँ कि विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र जन्म होता कथा या मध्य गोटे प्रचारित अच्छी जो भैमी एकादशी रे विष्णु सहस्र नाम जहाँ कि होती जन्म होते एवं ए दिन उपवास रही भीष्म को स्मरण एवं सारा दिन विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ कले भगवान कर आशीर्वाद मिली थाए। जेहेतु एकादशी होची हरिवासर निश्चित भाव भगवान कर हरिवासर एकादशी रे विष्णुंकर सानिध्य लाभ करिबा भगवान विष्णुंकर जहाँ कि मंत्र जप करिबा एतत व्यतीत भगवान विष्णु को आराधना करिबा ये सब होचंती प्रशस्त निश्चित भाव रे। सेथि पाई
भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जो माने एकादशी व्रत करी समाने मध्यम विशेष भाव रे एकादशी रे महाप्रभु को दर्शन कले अनेक व्यक्ति अछंती श्री महाप्रसाद पाई थांती। जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र रे अनेक प्रकार भक्त जो भक्तों जहाँ मानसिक स्थिति भितर जहाँ को जहाँ ठीक लगे से अनुसार पालन करती तेणु सब प्रकार भक्त रहिबे पतका अंचल चंचल आपण माने देखुं चल चंचल हो महाप्रभुंकर पतका उड़ुची सुंदर भावरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र निश्चित भावरे चारिआड़े गोटे आनंदर वातावरण कहले अत्युक्ति हो ना। भगवान करो श्री पावन क्षेत्र रु जो वातावरण आपण माने देखुचंती प्रभुंकर श्री चलचंचल नेत जो पतित पावन बाना को दर्शन कले निश्चित भाव रे गोटे आनंद हृदय कंदर रे पहुँचे कारण महाप्रभुंकर ये बाना हूँ स्वतंत्र पतितानं पतितोहं तमेवं पापहारकं पावनं पुरुषं देहि निश्चलं भक्ति मे विभो। से निश्चला भक्ति पतित पावन बाना प्रदान करती एवं गोटे आनंदर वातावरण जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीलचक्र एवं पतित पावन बाना ये सब को दर्शन कल गोटे स्वतंत्र भावाबेग सृष्टि हुए से जो चुनरा सेवक महाप्रभुंकर श्रीमंदिर चूड़ा देश को जाते आपण मैंने देखुंती से चूड़ा देश रे स्वतंत्र भाव रे से एकादशी जो आमर जाए जहाँकि तुलसी एवं चंदन ता मध्य नीलचक्र लागि होवार गोटे विधि परंपरा अछि सेथिपाई सामंत पूजा पंडा माने महाप्रभुंकर एकादशी महादीप वंदापना परे सेठी चुनरा सेवक को दे थांती जहाँकि तुलसी एवं चंदन जहाँ नीलचक्र को लागि होबो ये तो व्यतीत अनेक सेठी बाना मध्य अच्छी जो बाना कि आजिकल तो अनेक बाना सबू प्रभुंकर लगेगा कारण भक्त मानकर जो मानसिक बाना से मध्य बहुत गुण रे बढ़ी जाइछि तेणु से मानसिक बाना सबू महाप्रभु को लगे एवं प्रत्येक बाना गुड़िक महाप्रभु नीलचक्र जा पहुँचे ये मध्य गोटे परंपरा एवं से बाना गुड़िक विशेष भाव एवं किसी बाना खोला हे माल बाना तो निश्चित खोला हे से नहले प्रभुंकर महादीप उठिपर ना तेरे महादीप परिक्रमा कर माल बाना खोला हे एवं आउ कि बाना मध्य एकाठी कराई अच्छी आमर ताबी दृष्टिगोचर हो तेणु से बाना गुड़िक सब से खोलाई गोटे सुंदर भाव में किसी बाना मध्य तलू आसव बेले बेले गंठिला बांधिकी केते गुड़िए बाना मध्य तलू निर्दिष्ट स्थान अच्छी ता भितर पक तलू पल से बाना गुड़िक निश्चित से प्रस्तुति कार्यक्रम आरंभ हो व्यतीत आपण मैंने देखिए ये जो भीष्म एकादशी भैमी एकादशी जो मैंने महाप्रभुंकर हरिवासर एकादशी रे भगवान श्री श्री विष्णु को आराधना करती मंत्र जप करती विष्णु सहस्र नाम करती तंकर पुण्य अखंड पुण्य हुए एवं विष्णुंकर स्वतंत्र भाव रे जे भली भाव रे रही वंदापना ठारु आरंभ करी पूजा एवं प्रत्येक प्रकार उपचार रे पूजा कले मध्य आहुरी भगवान प्रीत होई थांती
एतद् व्यतीत मकर संक्रांति माघ पूर्णमी शिवरात्रि इभलि भावरे जो सब होती दिन मानक स्नान दिवस भीष्म एकादशी गोटे ये एकादशी पवित्र दिन मध्य जाए तेणु अनेक व्यक्ति मान जहाँ कि विभिन्न स्थान रे माघ स्नान करद्वारा पुण्य हुए ओडिशार एकादशी दिन विशेष भाव में श्रीक्षेत्र अनति दूर साक्षीगोपाल साक्षीगोपाल श्रीजीवर गज उदाहरण बेस अनुष्ठित होताए जाजपुर रे व्यास सरोवर रे मेला एवं कंटिलो रे नीलमाधव पीठ से भैमी एकादशी यात्रा आरंभ हुए ये सब रही तेणु विविध प्रकार स्थान रे विविध प्रकार व्यवस्था जगन्नाथ महाप्रभु स्थान रे जो भाव में रही अनेक प्रकार जानी यात्रा प्रभु बार मास तेर यात्रा से भाई भाव अनेक स्थान एमती विभिन्न प्रकार जानी यात्रा ठारु आरंभ करी नाना प्रकार रीति नीति रही विशेष भाव हिंदू मानकर विश्वास रही एकादशी नाम जया एकादशी व्रत कले जहाँकि जो मान कि पिछाचत्व नाश हुए पिछाचत्व नाश हुए माने माने विभिन्न प्रकार अत्यक्त दुस्वप्न ठारु आरंभ करी विभिन्न प्रकार दिष्ट खंडन होता है एवं शुद्ध पवित्र भाव रे उपवास और विष्णु को पूजन कले मनुष्य मनरे थिबा दुष्ट प्रवृत्तिर जो प्रवृत्तिटा थाए ता मध्य नाश हुए विलय हुए बोली कहुछि एवं यही पिशाचत्व संपर्क रे एक किंवदंती मध्य रहिछि आमर पद्म पुराण को गले आम कारण सब ये जो बार मास रे आपण माने जानती चौबीस टी एकादशी अच्छी भगवान को ये बार मास रे जो चौबीस एकादशी बेले बेले रे छब्बीस एकादशी पड़े अधिमास पड़े जहाँ आम पुरुषोत्तम एकादशी बोली कही थाए तेणु प्रत्येक एकादशी महात्म्य अच्छी कारण आमर हिंदू धर्मशास्त्र रे सब एकादशी की आम जो माने से मानवार यथार्थता रही प्रत्येक एकादशी महात्म्य अच्छी कृष्ण पक्ष गोटे एकादशी और शुक्ल पक्ष गोटे एकादशी प्रत्येक मास रे दुईटी एकादशी पड़े तेणु पद्म पुराण रे कहुछि जहाँकि एकदा स्वर्गपुरी रे इंद्रों सम्मुखरे गंधर्व माने गान करुथिले नाना प्रकार नृत्य गीत एवं अप्सरा माने मध्ये नृत्य करुथिले आयोजन रे जे कि पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या एवं माल्यवान नामक एक युवक थिले जे कि से दुहें परस्पर प्रति मोहमत्त थिले कामबाण कारण सेमाने स्थान काल पात्र प्रति अंध थिले तांकर टिकिए साधारण विचार मध्य नथिला जे कि सेमाने इंद्रंको सभारे नृत्य और संगीत परिवेशन करुछंती तेणु सभा कथा भूली दुहें दुहिंक प्रति निमंत्रण दृष्टि रखुथिले एवं जहाँकि एमती कि माल्यवान निजकु दीवाना रूपे सजाई गाउथिबा गीत को मध्य भूली जाइथिले एवं पुष्पवती प्रेम पागलनी हेतु नृत्यर जहाँकि तालमान भी भूली जाउथिले देवराज इंद्र भरपूर सभारे सेमानकर आचरण देखि क्रोधित होई सेमानकु अभिशाप देले जे से दुहें पिशाच जोनि प्राप्त करंतु एतिकी कही से मानकु स्वर्गच्युत कले से दुहें स्वर्गारोहण द्वारा जेकि पहुँचले हिमालयर बद्रीनाथ रे पहुँची से हिमालय धाम रे निवास कले सेठी एत कष्ट पाइले जे जीवनटा केमिति उदास मन हैला सौभाग्य को सही एकादशी दिन दुहें जीव हिंसा कले नाही खाद्य और जल स्पर्श भी कले नाही
एवं रात्रि उजागर रहिले फल पाप क्षय हो गला तेणु से मानकु सूचे दिया गला जे जो दिन टी से उपवास रही रात्रि उजागर थिले जहाँकि से दिन टी थिला भैमी बा जया एकादशी यही एकादशी कारण तांको मुक्तिर बाट फिटिगला एवं अलक्षरे एकादशी व्रत करी पुण्य अर्जन मध्ये करथिले एवं परदिन निज शरीर फेरी पुनि होचंती स्वर्ग रे बास कले तेणु ये जो कथाटी अच्छी ये होची आमर पद्म पुराणर कथा आउ भगवान श्री मंदिर रे आपण माने देखुचंती ऊर्धरे पानागुड़ी को खोला होची एवं आउ जने चुनरा सेवक से मध्य जाई पहुँचलेनी कारण अनेक बाना जेहेतु अच्छी से मध्य सुरखुरी रे आसीबो ता बादे प्रभुंकर एकादशी रो जो महादीप सामग्री मध्य नहींक्री जीवे सेथिपाई आउचंती दुई चार जन स्वतंत्र भाव रे ए एकादशी रे मंदिर चुड़ा देश को चढ़ी थांती पारंपरिक ढंग रे कारण समस्त मध्य जाई परिवे नाही एठी जगन्नाथ महाप्रभुंकर से ओंला बेढ़ा को चढ़ीबा एवं ओल्हेबा तार जो प्रणाली जो प्रकार कायदा एवं ता सबुठारु बड़ कथा हला भगवत्याह कृतम सर्वम आ भगवती कृपा रे ये सब कार्य करा जाय थाए आपण माने देखुचंती से महादीप सामग्री के नहीं जहाँ कि ताबुक्त आवछ दुई चार जन चुनरा सेवक ऊपर जी अच्छा ता बाद ये जा पहुँचे पहुँचला विभिन्न सामग्री मध्य नहीं आप देखुं से सब बेकरे झूल था महाप्रभुंकर से स्थान पहुँचवा पर शुद्धपुत भाव से जो महादीप जाए महादीप पुणी सी लग तेणु से महादीप को दर्शन करने पाई भक्त माने आतुर ही अपेक्षा करते बेले से महादीप उठ भगवान नील चक्र ऊर्धर यू जहाँकि शखे पुराई चक्र आढ़ुआल कर बोल कि होती स्वतंत्र चुना सेवक मान सी गजपति महाराज ना सहित भगवान को प्रार्थना करतीत ये जो महनीय परंपरा ये परंपरा मध्य अन्यत्र प्रत्येक एकादशी रे महादीप उठिबा तेणु पारंपरिक रीतिनीति मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रत्येक नीतिकांति अनुष्ठित होइथाय खाली आज नुह समस्त एकादशी भाव रे शुद्धपुत भाव रे भगवान ये नीतिकांति अनुष्ठित हुए विशेष भाव रे ये जो आज भैमी एकादशी ये भैमी एकादशी संपर्क रे युधिष्ठिर कहिले हे कृष्ण जी कि आदिदेव आउ से कहते श्वेतक आदि चतुर्विध प्राणी आपण होचंती सुजन पालन और संहारकारी संप्रति अनुग्रह पूर्वक माघ मासर शुक्ल एकादशीर सविशेष विवरणी प्रदान करंतु कारण भगवान कृष्ण को होचंती युधिष्ठिर कहिले कारण से धर्मराज तेना धर्म कथा बुझापाई श्री कृष्ण को पचारे ये हूँ द्वापर युग कथा श्रीकृष्ण कहले हे महाराज माघ मासरे शुक्ल पक्ष एकादशी जया नाम विख्यात एवं यही तिथि सर्व पाप विनाशिनी सर्वश्रेष्ठा पवित्र एवं मनुष्यर सर्व पाप हंत्री जहाकु कामदाऊ मोक्षदायिनी अधिकंतु व्रत पालन कले ब्रह्महत्या पाप पिशाच विनष्ट हुए बोली धर्मशास्त्र रही
ये कथा कहले एतत व्यतीत यही व्रत फल मानवर केते बेले हेले प्रेतत्व प्राप्ति हुए नाही। तेणु ये एकादशी महात्म्य प्रसंग क्रमे गोटे आख्यान वर्णित होती कथाटी हूँ कौन आपण माने देखुचंती अन्यान्य चुनरा सेवक माने भगवान द्रव्य गुड़िक कारण घी बलिता इत्यादि सब जो द्रव्य नहीं ऊपर को जाती आस्ते आस्ते से माल पतका गुड़िक खोला कारण से माल पतका गुड़िक खोला हला परे महाप्रभु महादीपटे सेठी से प्रस्तुत करे होती से महादीपटे चतुर्पार्श्व बुलिबो जहाँकि नीलचक्र चतुर्पार्श्व महादीप बुली ता परवर्त पर्यायर से सम्मुख भाग पटे जहाँकि जगन्नाथ महाप्रभु ये जो पारंपरिक रीतिनीति कारण से गोटे निर्दिष्ट स्थान अच्छी से स्थान परिक्रमा कर सर रखिदे था तेनाली दर्शन करने आज भगवान श्रीक्षेत्र भक्त मानकर भिड़ लगी श्रीमंदिर चलचंचल भक्त मान भी अच्छा जदिच विलंबित रात्र भक्त मैंने आस्ते आस्ते कमिले किंतु व्रतधारी एकादशी व्रतधारी व्यक्ति मैंने विशेष भाव अपेक्षा कर महाप्रभुंकर महादीप को दर्शन कले निश्चित भाव से होती जहाँकि कृपा लाभ करे एवं तांकर जो एकादशी व्रत सार्थक हेबो अनेक व्यक्ति मानकर से रही अंतरात्मा तबे जाऊ मुख्यदा एकादशी ए संपर्क थरे स्वर्ग लोक इंद्र राजत्व करुथिले सेठारे देवतागण अति आनंद बास करथांती अमृत पान रे रत देवतागण पारिजात पुष्प सेवित जहाँकि नंदनकानन रे अप्सरागण सहित रमण करुथिले से मानकु मध्य रमण कराउथिले दिने 50 कोटी अप्सरांकर नायक देवेंद्र जेकि निज इच्छा रे आनंद करी से समस्त देहीगण को नृत्य रे प्रवृत्त करैले एवं जतेबेले नृत्य रे प्रवृत्त कराइले सेमानक सहित गंधर्वगण गान करिबा को लागिले एवं पुष्पदंत चित्रसेन ओ तत्पुत्र जे कि प्रवृत्ति प्रधान प्रधान गंधर्वगण जो माने कि होचंती अतीव प्रवृत्ति प्रधान प्रधान गंधर्व मान तन्मध्य थिले चित्रसेनंकर पत्नी का नाम होची मालिनी तबे कन्यार नाम हला पुष्पदंती एवं पुष्पदत्तर पुत्र नाम हला माल्यवान ये माल्यवान पुष्पदंती रूपरे मुग्ध होता से पुत्रवंती जहाँ को पुष्पवंती बोली आम कहे बारंबार कटाक्ष द्वारा माल्यवान रू वशीभूत कराइले तेणु जोबले वशीभूत करे इंद्रंकर प्रीति विधानार्थ से माने उभय नृत्य गीत होती योगदान करते किंतु कामासक्त हो वीतक्रम हेतु से माने क्रमशः जाकी महाप्रभुंकर कृपारु स्पष्ट रूपे गान करिबा को असमर्थ होई परस्पर केवल बद्ध दृष्टि अवस्था रे दंडायमान रहले कारण जतो प्रत्येक कार्य सिद्धि हो बोली किछि मान्य नै सिद्धि न होले कोन करिवे सेंदी परस्पर केवल बद्ध दृष्टि की अवस्था रे रहले एवं सेमानकर ए प्रकार भाव सब ताल मान रंग गीत ये सब गुड़िक देखी जहाँकि बर्जन दर्शन करी
ସେମାନେ ପରସ୍ପର କାମାସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ ହେଲା ଏହା ବିବେଚନା କରି କୋପବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାପ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗକାରୀ ମୂଢ଼ ଓ ପଣ୍ଡିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧିକ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇଜଣ ଯା ପିଶାଚ ଯୋନି ଲାଭ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗମନ କରି ନିଜ କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର ଯଜ୍ଞାନାମ ଜପଯଜ୍ଞସ୍ମି ସ୍ଥାବରାନାମ ହିମାଳୟ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜପଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବା ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ କୃପାର ପାରାବାର, ତେଣୁ କୃପାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କେବେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ନା ତା ବି ନୁହଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ତେବେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ନହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ ସେଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାପଛକୁ ତାପଛକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମାଳ ପତକା ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସରିଲାଣି ଏବଂ ମହାଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପତକା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଅଛି ତାକୁ ଗଣ୍ଠିଲା ବାନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସବୁତକ ଆଣିକିରି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ସେଠି ଅଳାଶିଲିରୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବସଭା ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ପଡ଼େ। ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ପତାକା ଆସି ପଡ଼ୁଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ବା ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଯାହା ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ ସାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାପରେ ପିଶାଚଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହିମାଳୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ କାତର ହୋଇ ନିଜର ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦିନେ ପିଶାଚ ନିଜ ପତ୍ନୀ ପିଶାଚିକୁ କହିଲା, ଅଳ୍ପ ପାପ କରିନାହିଁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଅତି ଦାରୁଣ ପାପ ଫଳରେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁଲ୍ୟ ପିଶାଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପାତକ ଉତ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ପର୍ବତରେ ମୃତପାୟୀ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ମାଲ୍ୟବାନ ଓ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତୀର କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଜୟା ନାମକ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିରାହାରରେ ନିର୍ଜଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବାରାତ୍ର ଯାପନ କଲେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ନିଦ୍ରା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସାପରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବସ ଅତୀତରେ ଯାହା ଅତୀତ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ
सूर्योदय द्वादशी तिथि आसी उपस्थित होला। जया एकादशी से मानकर अनार और रात्रि जागरण रे जहाँ कि भक्तिर गोटे अंग बोली गृहीत होला। एवं ते महाराज द्वादशी दिन रे यही व्रत पालन फल रे विष्णुंकर कृपारु सेमानकर पिशाचत्व दूर भी हला। पुष्पदंती और माल्यवान उभय सेमानकर पूर्व रूप पुनराय प्राप्त हले एवं तापरे सेमाने उत्तम बेशरे भूषित होई स्वर्ग को गमन कले। तेणु देवराज इंद्रंक सम्मुखरे उपस्थित हेबारु से सेमानकु देखी आश्चर्यान्वित हेले एवं पचारे क्यों पुण्य फल तुम मानकर पिशाचत्व दूर हला। तेणु मोर सापुरु किए तुम मानकु उद्धार कला। माल्यवान कहिले हे प्रभु भगवान वासुदेव अनुग्रह जयाव्रतर पुण्य प्रभाव रे आमर पिशाचत्व दूरीभूत होइछि। सेमानक कथा सुनी इंद्र कहिले हे माल्यवान तुम्हें वर्तमान ठारु मो कथारे पुनर्बार सुधापान कर। तेणु हरिवासर व्रत जो माने आसक्त जो माने कृष्ण भक्ति परायण मर्त्यलोक तद्रूप मानव गण आंभ मानकर पूजा बोली जानिबे। तेणु एथिरे कौनसी संदेह नाहीं। एही देवलोक तुम्हें पुष्पवती सहित इच्छा अनुसार विहार कर। एक कथा कही श्रीकृष्ण कहले हे युधिष्ठिर महाराज यही जयाव्रत ब्रह्महत्या रूपक पाप को मध्य विनाश करे। यही व्रत द्वारा समस्त प्रकार दानर फल लाभ हुए। तेणु संपूर्ण रूपे समस्त यज्ञ कृत होइथाय एवं कोटिकल्प पर्यंत आनंद रे जहाँकि वैकुंठ गति मिले। तेणु माँ जेहेतु होती वैकुंठ बास मिली थाए तो शेष पर्याय तेणु कहले हे महाराज जयाव्रत कथा पठन व श्रवण मध्य अग्निष्टम यज्ञर फल लाभ होइथाए। ये होची आजिर एकादशीर प्रकृत महात्म्यर कथा। ए पाखरे आपण माने देखुचंती सबु पतका गुड़िक मध्य आस्ते आस्ते खोला ही गलानी। भगवान को से पुष्प एवं चंदन मध्य लागी कारण समस्ते जो जाइछंती चुनरा सेवक माने महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महान बहुचंती लीला। कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीतिकांति पृथ्वी रे अन्यत्र कोठी नाही। ये होची महान नीति सबु प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा प्रभुंकर महादीप दर्शन करिबा एगुड़िक भाग्य रे नथिले केबे हेइ परिबो नाही। से दृष्टि रु भगवान कर एबे भी मध्य से चुनरा सेवक माने श्री मंदिर रो चुड़ा देश रे भगवान कर सेवारे आबद्ध। कारण ये सबगुड़ी कहूँ सेवा तब पाद सेवा एक संपद देवाकु जहा दुर्लभ भूषण अटई मढ़ियाल धंडा शिष पाशीर विभव। तेणु सुंदर भाव रे जो आमर चुनरा सेवक माने पारंपरिक सेवक सबू अच्छा जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपण माने देखिबे प्रत्येक नीतिकांति पाई प्रत्येक पारंपरिक सेवकों द्वारा नीतिकांति संपादन होइथाय। से भली भाव रे जिए जहा करिबा कथा कारण जगन्नाथंकर जो नीतिकांति अछि मन इच्छा के किछि करंती नाही। विभिन्न प्रकार रो जहा कि पारंपरिक रीतिनीति अनुसार प्रत्येक प्रकार रो सेवक माने तांकर नीति संपादन करिथांती। सेथिपाई आज ये जो सेवा ये मध्य गोटे प्रायतः जड़े नुह ये पांच जन बेले बेले आम गुड़े चुनरा सेवक मान को देखू आप जड़े ऊपर अच्छा तथापि तीन जन तले दृश्य पुणी होने मध्य हूँ थी लगुच
से जो कार्यक्रम गुड़िक हुए महाप्रभुंकर कारण तीन जन रहिले सिटी होचंदी परिक्रमा करिवे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन बाड़र जेतु महादीप बुलिबो तापी पूर्व प्रस्तुति कार्यक्रम चली प्रायत प्रस्तुति कार्यक्रम अंतिम पर्यायर निश्चित भाव आउ कि मुहूर्त पर प्रभुंकर से महादीप निश्चित भाव लगभग जहाँ को अपेक्षा कर समस्त भक्त माने प्रभुंकर से महादीप को दर्शन कले से घर को फेरबे एवं अनेक भक्त माने श्री महाप्रसाद पाई प्रभुंकर स्वतंत्र भाव जहाँ कि जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद पाइबापाई व्याकुल होकर भक्त माने था तेबे ये महादीप परे महाप्रसाद अनेक भक्त पाई श्रीमंदिर विभिन्न सेवा मध्य जो चुनला सेवक मानकर सेवा से मध्य गोटे स्वतंत्र सेवा तांकर जहाँ श्रीमंदिर सत्यलिपि अनुसार आमर 64 नंबर सेवा अंतर्भुक्त चुनरा सेवक सेवा बोली कहुची एतत् व्यतीत चुनरा सेवकों विभिन्न सेवा मध्य दैनंदिन श्रीमंदिर नीलचक्र ध्वजा बांधा कारण प्रत्येक दिन आपण मैंने जानती आमर ध्वजा बंधा एवं माने जहाँ को आम लागी एवं उलागी ये दुईटा जाक होता है सीधा प्रसारण मध्यम आपण मैंने से दृश्य को दर्शन करतीत व्यतीत प्रभुंकर प्रत्यह जहाँ कि गौड़ स्तंभ उपविष्ट जो बैनतेय जे कि पक्षीराज बोली कह जाए से गौड़ प्रत्यह स्नान आदि माजना एवं बेश इत्यादि कार्य गुड़िक से माने चुनरा सेवक मान करी शुद्धपूत भाव एकादशी तिथि निशार्धरे श्रीमंदिर उपरे थिवा महादीप प्रज्वलन करी संसार मंगल उद्देश्य रे स्वतंत्र भाव गजपति महाराजंकर पाई कल्याण कामना पूर्वक आमर उत्कल प्रदेश मंगल हो विश्वर कल्याण हो ये प्रकार जाकी सब प्रतिध्वनित हुए शब्द एवं विशेष करी सेवक मानकर अत्यंत चिताकर्षक सेवा होची प्रत्यह आपण माने देखिबे संध्यारे श्री नीलचक्र ध्वजा बांधिला समय रे जो गोटे आनंदमय परिवेश सृष्टि हुए सेठी सेवक सेवा एवं सेव्य समस्त एकाकार हो जाती जहाँ को प्रतिदिन हजार हजार दर्शनार्थी अवलोकन करी भक्ति भाव कहते गदगद हो फेरी था से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु कथा आम कौन कह तेणु निश्चित भाव आज ये जो कार्यक्रम स्वतंत्र भाव भगवान श्री जगन्नाथ नारायण महादीप पाई जो प्रस्तुति कार्यक्रम से मध्यता चली अन्यान्य सब पताका गुड़िक जाकि दिगला एवं ऊर्ध्व पताका एवं नीलचक्र गोटे पताका उड़ुची ताकि देखुचे इठी महाप्रभुंकर पताका कथा कहे आउ जड़े चुनरा सेवक महाप्रभुंकर से कलश घड़ी उपरको पुणी उठिले निश्चित भाव सब पारंपरिक प्रक्रियार व्यवस्था प्रत्येक समय रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सबू नीतिकांति अच्छी तो तले कार्य करिबा अलग कथा एवं ये जो नीलचक्र ऊपर को चढ़ार जो कायदा कारण समस्त के भी जाई परिबे नाही इठी सीढ़ी नाही किछि व्यवस्था नाही तथापि घोर वर्षा काल मध्य महाप्रभुंकर नीलचक्र उपरे बाना बंधा एवं प्रत्येक दिन मध्य उलागी चली तेणु ये जो परंपरा अव्याहत रही ये परंपरा को केवल अक्षुण्ण रखिंट किए से
श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु। कारण इटि सब जगन्नाथ ही करती, जगन्नाथंकर कृपा नहले किछि बेरियो नाही। जाहु रात्र विलंबित रात्र आपण माने सुंदर भावरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र रु ये होची गोटे मनोरम दृश्य कहले अत्युक्ति हम नाही। विशेष करी जो चुनरा सेवक माने ऊपर अछंती सेमानकर मध्ये अन्यन्य काम मध्ये अछि। प्रतिदिन हजार हजार दर्शनार्थींर अवलोकन करी भक्ति भाव रे जी गदगदित करी थांती पाट अगणार गोटे आनंदर वातावरण सृष्टि हुए। संध्या समय रे पतका लागी बेले रे एवं विमलांकर कूपरु जल आनी अगुरु कर्पूर महु दही चंदन कुंकुम आदि द्वारा माजना स्नान इत्यादि मध्य महाप्रभु गरुड़ंकर ये सेवक मान प्रत्यय करिथांति एवं जहाँ कि पुष्प श्रृंगार विभिन्न प्रकार पुष्प को खंजी आउ सुंदर हेला भली। कारण पुष्प तो सुंदर पुणी आमर साधारण भाव में टे सुंदर हवा कथा तेणु से अनुसार चुना सेवकों विश्वास रही माँ विमला कृपारु से माने सेवा संबंध समय रे कौनसी प्रकार प्रतिबंधक प्राकृतिक विपर्जय ये मध्य आसी न थाए। कारण जगन्नाथ महाप्रभु होती अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर मालिक तेणु तांकर जेतेबेले कार्य हम सी जेतेबेले निजे बसिबे से समय हूँ अलग। आपण माने देखिले ये महादीप उठिला गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल कल बर्गेश्वर भूत भैरव दुष दुशासन अतुल बल पराक्रमी संग्रामी सहस्रबाहू क्षत्रिय कुल धूमकेतु विराधि वीरवर श्री श्री दिव्य सिंहदेव। कारण से दिव्य सिंहदेवंकर नाम रे एवं जहाँकि तांकरी गोत्र रे ए महादीप उठिची आजिर भव्य कार्यक्रम जो समय कि सबुठार प्रतीक्षित समय कहले अत्युक्ति हम ना। प्रत्येक भक्त टी अपेक्षा करथाय कालिया सांत टे से महादीप को दर्शन करबा को दीपंज्योति परम ब्रह्म दीपंज्योति जनार्दन दीपंज्योति हरते पाप पूजा दीपम नमस्तुते। तेणु ये जो महादीपं नमस्तुते भगवान कर जगन्नाथ महाप्रभुंकर महादीप को आम दर्शन करवा सहित चतुर्पार्श्व जेहेतु परिक्रमा कर सारी भगवान कर वास्तव ज्ञान रे ये महादीप को दर्शन कले अनेक प्रकार होती दुष्कृत नाश हो महाप्रभु सुफल प्रदान करती। से प्रत्येक भक्तर इच्छा आकांक्षा एतत व्यतीत पुरी सहर रे आपण माने देखिबे अनेक दर्शनार्थी माने तांकर घरे छात ऊपर को जाई महाप्रभुंकर एई विशेष जो होचंती महादीप को दर्शन करबा को आस्थांदी। कारण जहाँ कि श्रीमंदिर पार्श्वर्ती अंचल रे छात ऊपर को सब देखा जीवो तेणु अनेक आमे मध्य से भाव जत घरे थाऊ श्री महाप्रभुंकर महादीप को देखि थाऊ। आपण माने देखुचंती पवित्र महादीप से दीप को होचंती स्वतंत्र भाव सुरक्षित भाव रखि दिया जाउची एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर जी जहाँ सब रही माने विधि व्यवस्था मध्य एवं तो स्वतंत्र प्रशासनिक विधि व्यवस्था मध्य श्रीमंदिर परिचालित होती जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुण्य पर्व ठार आरंभ कर जानीयात्रा इत्यादि सबगुड़िक पूर्वर निर्धारित। कारण कौ दिन कौन हम कौ दिन नक्षत्र वंदावन कौ दिन माँ अमावास्या नारायण विजय हे एवं आउ क्यों दिन क्यों देवतांकर जानी यात्रा रही अनुसार विशेष भाव होती आमर कार्तिक मास
शुक्ल पक्ष तेणु ये अपूर्व प्रकार जेहेतु आमर माघ मास कार्तिक मास आषाढ़ मास बैशाख मास ये सब गुड़ाक शुक्ल पक्ष एकादशी गुड़िक प्रशस्त तबे ता भितरे आजिर माघ मासर जो शुक्ल पक्ष एकादशी भैमी एकादशी ये सबुठारु आहुरी प्रशस्त अनेक चुनरा सेवक मान ओल्लैलेणी कारण जेहेतु महादीप उठी सारी से चुनरा सेवक माने महाप्रभु से महादीप को समर्पण करी ओल्लौंती आहुरी मध्य जो दु तीन जन अच्छा सी मध्य पक्ष निश्चित भाव में ओल्लैबे कारण महादीपर हूँ जली सारी से महादीप को एवं भक्त मैंने दर्शन करड़ जहाँकि चमत्कार दृश्य ये महादीप अनेक दूर पर्यंत मध्य देखा जाए था भगवान पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महादीप को अनेक भक्त मैंने घर छात उपर को जा दर्शन करती आमे मध्य दर्शन करनेक समय से भगवान श्री पुरुषोत्तम नारायण जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ कलश तले से महादीप जलुची से महादीप मध्य गोटे स्वतंत्र प्रकार दीप ये दीप को दर्शन कले अनेक कली कलुष नाश हब से प्रत्येक एकादशी रे महाप्रभुंकर महादीप उठी थाए अनेक भक्त माने मध्य एकादशी द्वादशी दशमी ये सब तिथि मानक एक लक्ष बलिता सहित स्वतंत्र दीप को होती दान करेणु ये से दीप दान ये मध्य गोटे हूँ महन्य परंपरा ये तो व्यतीत जो कुमुद महावीर अच्छा निम्न देश में आपण मैंने देखुं कुमुद महावीर पाखे मध्य गोटे दीप जलुची जो दीप कि स्वतंत्र भाव से आलोक प्रदान करगवान से कुमुद महावीर को सुंदर परिवेश जहा कि रात्र काल हेले मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा तब पाद सेवा एक संपद देवाकू जहा दुर्लभ भूषण अटई मड़ियाल धंडा शिश पाशीर विभव तेणु से जो पाद सेवा कहुई करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे भी निवेशयांतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि तेणु भगवान से बाल मुकुंद स्वरूप जी विराजमान करी आमे जानी परिवा नाही केवल प्रभुंकर कृपा हेले कृपा नवा पर्यंत टोपे कही भी किसी जानी परिवे ना सी ही केवल होती चिन्ह था तेणु आमे कृपारू निश्चित भाव पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र में जो महान दीप जार अन्य नाम हूँ महादीप भगवान आज महादीप स्वतंत्र भाव आलती है तेणु तापर संध्या धूप पर महादीप आलती महादीप को चुना सेवक मान को हस्तांतर करबा परे से माने शुद्धभूत भाव रखी था महाप्रभु पाखे जेहेतु समर्पण करा जाउछि प्रत्येक मुहूर्त कारण प्रत्येक मनुष्यर गोटे इच्छा आकांक्षा ये सब रही से दृष्टि जगन्नाथ महाप्रभुंकर से जो दीप को गोटे कौन देखादेखी कर अतएव दीप जेहेतु होती गोटे स्वतंत्र तेनाली आगे लगेदे कथा आतशबाजी माने से दीपर हाँ एथर आम जापारे ये हूँ दीप को आहुरी आलोकित करुच्ची आतशबाजी आतशबाजी साधारण बाण समूह ये बाण गुड़िक हूँ से एक प्रकार दणा हूँ बाण ताठरु टिके सामान्य उन्नत ही पारे तेणु कौन सी प्रकार फुटिला बाण सिटी फुटे ना केवल सामान्य भाव रे जो बाण गुड़िकर फुटबा ना एवं देव उपयोगी होता से बाण गुड़िक महाप्रभुंकर लगुंपाखे
बड़दाण्ड ठारु एवं होचंति पाटगणा पर्यंत भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करबा पाई हरिबोल हुड़ौली ठारु आरंभ करी अन्यान्य प्रकार देवध्वनि प्रतिभासित होउची। एतत व्यतीत आजर से महादीप तीन जन जाक चुनरा सेवक जो माने महादीप ने बुले थे थी एवं निर्दिष्ट स्थान रे महादीप जलिबा सहित ता भितरे आमर जी सहयोगी माने अछंती सेमानकर तत्वावधान रे चित्र उत्तोलन करी कैमरा साहाज्य रे आपण मानक पाखरे घरे आमे पहुंचौचू। कारण आपण माने मध्य अनेक दर्शक बंधु माने प्रत्येक दर्शक बंधु को पाई एहा होची दुर्लभ। कारण पुरी आसी जगन्नाथ मंदिर को आपण माने चाहिंगिरी बसिबे केते बेले नीतिकांति हबो ए नीति पृथ्वी रे कोठी नाही। तेनु जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीतिकांति होची सेति पाई स्वतंत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जगन्नाथंकर नीतिकांति जहाँ चालीची ताकू आमे सुंदर भाव रे जहाँ कि पारंपरिक विधि 119 प्रकार जो सेवा बेहराकरण को 120 प्रकार सेवा मध्य ये पारंपरिक सेवा गुड़िक अनुष्ठित होची प्रत्येक समय रे किबा झड़ी किबा वर्षा प्रत्येक समय रे महाप्रभुंकर बाना लागी थाए। तेनु जो माने नेकरी आसंती एवं नेकरी जा तळुकु मध्य जानती ये होची भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा न होले केबे हेले मध्य संभव पर हेई परिबो नाही। तेनु सबगुडी को प्रभुंकर कृपा विलंबित रात्र ए विलंबित रात्र रे समस्ते चुनरा सेवक माने महाप्रभुंकर महादीप उठे तापरे जो बाण गुड़िक लगुची ये सबू से दौना एवं होची विविध बाण जो बाण गुड़िक कि सामान्य भाव रे तार आवाज किसी ना केवल आलोक प्रदान करुछंती बाण विशेष भाव रे आज दिन में लगी था प्रत्येक एकादशी रे आज भी भाव रे बाण लगी संपूर्ण कार्य मध्य आज महादीप महाप्रभुंकर समर्पण हो सारी तेणु सुंदर भाव रे प्रभु को सानिध्य लाभ करी प्रभुंकर होती जो माने चुनरा सेवक मान जाइछंती सिटी घी देखुचंती जो दीप जलुची तापर घी देवे एवं मुंडिया मारे मुंडिया मारी समर्पण भाव रे भगवती विमला को आहुचंती आराधना करी जीवा आसवा करि थांती। एते बड़ मंदिर जहाँ कि पाद ठारु मस्तक पर्यंत 214 फुट मंदिर बोली जहाँ कह जा विशेष भाव रे एते उचारे जाई केवल पत्थर खोल मध्य महाचंती निश्चित निजर गोड़ को सावधानतार सहित जाई महाप्रभुंकर आज ये भव्य कार्यक्रम को संपादन करिछंती। तेणु प्रत्येक कार्यगुड़िक भगवान ही करुछंती निमित्त मात्रम भव सभ्य साचीन निमित्त मात्र आमे समस्ते जगन्नाथ कृपा न होले किछि हेइ परिबो नाही। तेणु आज पवित्र एकादशी रे आमे मध्य आमर दर्शक बंधु जो माने दूर दूरांतर रही महाप्रभुंकर जो महादीप को दर्शन करुछंती निश्चित भाव रे ए महादीप दर्शन रो फल आपण माने मध्य पाइबे से स्थान रे मध्य समस्त हाथ टिए जोड़ी भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को उद्देश्य रे ए महादीप को समर्पण करंतु। कारण जगन्नाथ को उद्देश्य रे यदि आमे सब समर्पण करिबा ताले जगन्नाथ महाप्रभु आमको कल्याण करिवे सी होती सर्वेशम चैव देवानाम राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशम सर्वक्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम अर्थात जत्ते प्रकार राजा आसीच्चंती राजाधिराज होती जगन्नाथ महाप्रभु एवं आमर पूर्वर जो सूरीमान
ये सब विधि विधान गुड़िक सेमाने करिछंती बा धर्मीय व्यवस्था कारण धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजन जैन कतस्य पंथा महाजन माने पूर्व काल रे जो होचंती पूर्व सुई मान रहिथिले सेमाने ये सब जो विधि विधान करिछंती केवल मद भगत विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया भगवान तांकर भक्त मानकर कल्याण पाई कारण ये सब गुड़िक जहाँ भी चली देखुचंती ये सब होती भक्त मानकर कल्याण निमित्त महाप्रभु ये सब लीला करुचंती अर्थात इटी महादीप या सूचना दियंती भगवान को जो महादीप आलती करागला ताकू पुणी ओला बेढ़ा पर परिक्रमा करा जाउछ अर्थात श्रीमंदिर सहित श्रीमंदिर विधि विधान सहित जदि आम जड़ित रहिबा ताले निश्चित भाव आम से खबर सबू जापर तेणु जहा प्रभुंर महादीप जलुची तार पार्श्वर दुईज जी कि चुपचाप हो बस एवं आउरी मध्य जो माने जाइचंती ता भीतर उल्लेखिरि मध्य दुई जन पळै श्रेणी विशेष भाव रे हमकु तीन जनकर वर्तमान दृश्य पटल भीतर तीन जन देखा जाउचंती जहा कि प्रभुंकर से दिव्य जो होउचंती दीप जहार अन्य नाम महादीप से महादीप को सिठी ठाकुरंक उद्देश्य रे समर्पण करा जाउची तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत आपणकर होचंती सेई दिव्य पदार्थ को आपणक पाखरे आमे समर्पण करी आमर कार्य निर्वाह करूचु अर्थात जहा तयारी हेछि ता भगवान को उन्नर पाई एवं जहा हेछि ता मध्ये भगवान को इच्छा रहिछि सेथि पाई प्रभुंकर इच्छा नहले केबे हेले होचंती सृष्टि रे पत्रटिए मध्ये हलिब नाही सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जते नीति कांति भल मंद ए सब अछि एगुडिक स्वतंत्र भाव रे जहा कि पारंपरिक विधि विधान को लक्ष्य करी ए सब चली तेणु ये पारंपरिक विधि विधान स्वतंत्र प्रत्येक जे भली भाव रे महादीप प्रत्येक आमर एकादशी रे उठे से एकादशी रे उठिची महादीप जहा कि संपूर्ण भाव रे समर्पित सरीगलाणी आतशबाजी मध्य बाजी सरलाणी केवल चुनरा सेवक माने सेठी बसिचंती तेणु से माने अनेक समय रे एमती बसंती किछि समय मध्य तापर उल्लेखिरी आसीबे तेणु आउरी ता भितरे मध्य किछि चुनरा सेवक उल्लेखिरी पळै आसिलेणी तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये दीप को आम दर्शन कले निश्चित भाव आमर पुण्य हब दीपंज्योति परम ब्रह्म दीपंज्योति जनार्दन दीपंज्योति हरते पाप महादीपम नमस्तुते आम निश्चित भाव यही महादीप को मध्य दर्शन करवा ये तो बहुत समय महादीप घंटे दि घंटा पर्यंत जले तेणु ताकू भक्त मैंने दर्शन करेंगे एवं श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदया सुललित कंठरू भक्तिपूर्ण एकादशी भजन श्रवण करने सहित ये दिव्य दृश्य को देखिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।